विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। आज की चर्चा में हमने आम जनता के जुड़े कई सवालों के जवाब जानने का प्रयास किया है, तो आइए देखते हैं इसी को लेकर हमारे संवाददाता दिनेश दसौंधी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दिनेश दसौंधी। हमारी चुनावी चर्चाओं के दौर लगातार जारी है। यह चुनाव चक्र जल्द ही आपके गाँव पहुँचेगा और हम आपसे जानेंगे कि आपकी राय इन चुनावों को लेकर क्या है। बहरहाल, हम अपनी चर्चा पर लौटते हैं। हमने पिछली चर्चाओं में महंगाई के मुद्दे पर बातचीत की, लाडली बहना, नारी सम्मान योजना, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के कर्ज माफी, ऐसे कई मुद्दों पर बातचीत की। आज भी हम विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह व्यक्त विचार व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे हमारा चैनल कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। हम यहाँ किसी जाति, वर्ग, संगठन, राजनीतिक दल और व्यक्ति का समर्थन नहीं करते हैं और न ही किसी का विरोध करते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं इन शब्दों के साथ कि समय की दूरियां घटती जा रही हैं, समय की दूरियां घटती जा रही हैं, इम्तिहान नज़दीक आने वाला है। समय की दूरियां घटती जा रही हैं, इम्तिहान नज़दीक आने वाला है। चुनेगी जनता अपने खिदमतगारों का चुनावी चक्र यूं ही चलता जा रहा है, चुनावी चक्र यूं ही चलता जा रहा है। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। साथ कांग्रेस की ओर जोड़ रहे हैं श्रीराम पटेल और भाजपा की ओर से विशाल मधुकर। श्रीराम पटेल छोचून के रहने वाले हैं, इनसे जानते हैं, प्रश्न करते हैं इनसे। हमारे चैनल को देख इंटरव्यू में रवि जोशी ने कहा कि कांग्रेस वचन देती है, वादे और घोषणाएं नहीं करती और उनके वचन पूरे होते हैं। कांग्रेस ने कहा कि महिलाओं को 1500 देंगे, गैस टंकी 500 रुपये में करेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ होगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी। क्या ये वादे ज़मीन पर उतर पाएंगे? देखो, आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जनता तक आप आवाज़ भेज रहे हैं, जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने जब 18 में सरकार बनी थी तब उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे और किसानों का कर्ज माफ़ की मुहिम चालू कर दी थी, 2 घंटे में प्रोसेस चालू भी कर दी थी और किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ़ हुआ। नहीं, कांग्रेस जैसे अभी जो घोषणाएँ 5 घोषणाएँ कर रही है उस पर क्या रहेगा? क्या ज़मीन पे हकीकत में उतरेगी? क्योंकि बीजेपी कह रही कि कोरी घोषणाएं हैं, इनकी सरकार बनना नहीं है, केवल घोषणाएं करके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को किसी तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये तो क्या है कि बीजेपी की पहले भी ऐसी बातें होती थी, बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं और कांग्रेस जो कहती वो करती। ये जितने भी जो वादे कमलनाथ जी ने किए हैं वो ज़मीन पर आएंगे और ज़मीन लोगों को जनता को फायदा भेजेंगे। कांग्रेस ने एक वादा किया है कि महिलाओं को गैस टंकी, घरेलू गैस कनेक्शन का जो टंकी आता है वो 500 रुपये में देंगे, जबकि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे होगा? देखो, गैस टंकी तो 500 रुपये में मिलेगी, ये तो वादा है, और कर्ज माफ़ी भी एक मुद्दा है, वो भी वादा है, वो भी करेंगे। और ये बीजेपी तो क्या है कि उन्होंने वादे किए थे लेकिन वो वादे उन्होंने पूरे किए नहीं। उन्होंने कहा था कि हम सालाना 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे लेकिन वो रोज़गार मिले नहीं, और उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में महंगे कम करेंगे लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। अच्छा, तो बेरोजगारी का मुद्दा आप मानते हैं कि इस बार के चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा? इस बार हमारा बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा और कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो ज़रूर युवाओं को रोज़गार मिलेगा। हम अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगता है कि कांग्रेस किसानों का कर्जा माफ़ कर रही थी, उन्होंने सरकार गिरा दी, किसानों के साथ छलावा हुआ, किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। कांग्रेस अक्सर इस तरह के आरोप लगाती है, इस पर विशाल जी आप क्या कहेंगे? कांग्रेस कहती है कि वो कर्जा माफ़ी कर रहे थे, आप लोगों ने बीच में सरकार गिरा दी। नहीं, कर्जा माफ़ी में आप एक तरफ ये बोल रहे हैं, कांग्रेस ये बोलती है कि 2 घंटे के बाद में हम आपको प्रमाण पत्र दे रहे हैं, काम चालू कर रहे हैं, कार्य प्रगति पर है, लेकिन ऐसा इस तरह से कुछ हुआ नहीं। आपने कहीं जगह पे प्रमाण पत्र बांटे और झूठे वादे किए लेकिन उसको आपने ज़मीन पर नहीं उतारा। मुझे बताइए, एक भी लाभार्थी है जो उस कर्ज मुक्ति का फ़ायदा लेके, लाभ लेके और यहाँ पर बैठा हो? आप खरगोन विधानसभा में अपनी पहली पसंद किसको मानते हैं? आप जैसे टिकट के लिए किसको दावेदार मानते हैं, किसको टिकट मिलना चाहिए बीजेपी के? भारतीय जनता पार्टी संगठन जिसे भी टिकट के लिए चुनती है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और पार्टी का निर्णय जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस कहती है उन्होंने पिछली बार आपको 6 की 6 हराया,
इस बार उनका दावा है कि खरगोन जिला तो जाएगा, बड़वानी जिला भी जाएगा, बुरहानपुर जिला भी जाएगा और खंडवा जिला भी जाएगा। सब कुल मिला के 13 से 14 सीटें वो बता रहे हैं उनके हाथ में जाएगी। ऐसा कहने से और कुछ नहीं होता है, जो पार्टी में जिसमें जितना दम होगा वो सामने आएगा और बताएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। आपको लगता है बीजेपी इस बार जीत हासिल कर पाएगी? बिल्कुल, पूरी 6 की 6 सीट पे जीत का विजय परचम लहराएंगे भाजपा में। कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि खरगोन जिले की 6 की 6 सीटें एक बार फिर से हासिल करेगी, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी गुटबाजी का असर दिखता है, तो क्या वो 6 की 6 सीटें एक बार फिर से कांग्रेस हासिल कर पाएगी? कांग्रेस पूरी 6 की 6 सीटें खरगोन विधानसभा में आएगी, 6 की 6 सीटें, और बीजेपी पे आरोप लगा रही, लेकिन बीजेपी में भी गुटबाजी दिख रही हमें। और हम नहीं, हम तो केवल आपके कांग्रेस की, कांग्रेस बीजेपी से तो प्रश्न कर लिया, हम केवल कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हैं। आपके कांग्रेस में गुटबाजी है या नहीं? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि 6 की 6 सीटें एक बार फिर से निकालें? 6 की 6 सीटें इस बार फिर से निकालें। आप खरगोन में विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अगला विधायक कौन होगा, किसको दावेदार मानते हैं? अभी तो वर्तमान में अभी रवि भाई, और अगला विधायक रवि भाई रहेंगे। रवि भाई रहेंगे, तो रवि भाई क्यों रहेंगे, क्या ऐसे उन्होंने क्या काम किए हैं? रवि भाई ने काम किए हैं, और वो तो अभी क्या है कि सरकार में नहीं रहे, नहीं तो काम और भी ज़्यादा करते, लेकिन जो भी उन्होंने किए अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भवनों के भी घोषणाएँ की और भवन दे भी रहे, अभी हमारे यहाँ भी दिए और बड़ी उन में भी दिए, और कर्ज माफी का भी उन्होंने काम पूरा किया था, लेकिन सरकार गिरने से उनका थोड़ा सा कर्ज माफी का 1 लाख का मुद्दा थोड़ा बाकी है। मतलब एक रवि जोशी को आप व्यक्तित्व के रूप में मानते हैं या पार्टी के रूप में मानते हैं? मैं रवि जोशी को एक पार्टी के रूप में मानता हूँ कि अच्छे लीडर है वो। अच्छे लीडर, मतलब आप मानते हैं कि इस बार रवि जोशी जी की जीत होगी? इस बार रवि जोशी जी की जीत होगी। इधर बीजेपी कह रही 6 की 6 सीटें निकालेंगे, आप कह रहे 6 की 6 सीटें निकालेंगे, क्या हासिला कह रहे हैं? देखो ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार कमलनाथ की सरकार आएगी, 170 सीटें हम कांग्रेस जीत कर आएगी। कांग्रेस के 170 सीटें जीत रहे हैं। हाँ, आज की चर्चा की एक विशेषता ये है कि हमने हमारी ओर से एक आम व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया है, और हमने पूरा प्रयास किया कि उनके भी विचार जानने का प्रयास करेंगे। मुकेश जी, आप आम आदमी की ओर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह कहूँगा कि घोषणाएं तो बहुत होती रहती हैं, आए दिन नेताजी कोई से भी हो, बीजेपी के हों कांग्रेस के हो, लेकिन गाँव विकास के बाद में करता हूँ, मुझे जिले से मतलब नहीं। जिले में तो अभी जैसे घोषणाएं हुई थी पिछले वर्ष की, यार काले जा रहा है, और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जमीन पे हकीकत में लाके भी बताया। आप कांग्रेस और बीजेपी से क्या पूछना चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि ये उन नगरी पुरातत्व तो नगरी है, दिगंबर जैन जी का मंदिर है, विश्व भर के पर्यटक लोग आते रहते हैं, महालक्ष्मी मंदिर जी यहाँ पर हर वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं, लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में बस स्टैंड के ऊपर हनुमान जी के सामने कहा था कि मैं उन नगरी को पर्यटन नगरी घोषित करता हूं, और इस बीच में विधायक महोदय से संपर्क भी हमने किया था कि भाई उन नगरी को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, और साथ ही हमने हॉस्पिटल उन्नयन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री को, विधायक महोदय को, इनको सबको पत्र लिखे हुए हैं कि भाई कम से कम ये आसपास के 52 गाँव के प्रसूताएँ यहाँ पर डिलीवरी के आती है, एक्सीडेंटल हमेशा 24 घंटे में एक आध बार हो जाता है इमरजेंसी। मतलब आपके दो प्रश्न हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कह चुके हैं कि इसे पर्यटन स्थल बनाया जाए, अभी तक क्यों नहीं बना, और हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएँ होंगी? हाँ, तो हम विशाल जी से पूछते हैं। विशाल जी, जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ ऊन जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आए थे, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश अपने ऊन को पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है, ये घोषणा करके गए थे, और मैं खुद वहाँ हाजिर भी था। ये बात सही है, मैं इस बात को अच्छे से आपकी बात से सहमत हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि ऊन को पर्यटन नगरी घोषित किया जाता है, और ऊन में मेन रोड पर अपने जो बोर्ड भी लग चुके हैं मध्य प्रदेश पर्यटन के और MP टूरिज्म के बोर्ड लग चुके हैं, और हो सकता है किसी कारणवश शासकीय योजनाओं में कुछ कमी हो या कोई काम अधूरे रह गए हो, इस वजह से पर्यटन का काम पूरा। मेरा अगला सवाल विशाल जी से है। हमारे चैनल को दिए इंटरव्यू में रवि जोशी जी ने यह भी कहा है
कि भाजपा में 10 से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, जिनका दावा है कि वे टिकट लेके आएंगे। तो रवि जोशी जी का ये कहना है कि इन 10 उम्मीदवारों में से यदि एक को टिकट मिलेगा तो बाकी जो 9 उम्मीदवार बचेंगे वो खुद भाजपा को हरा देंगे। मतलब कहीं ना कहीं गुटबाजी की ओर उन्होंने इशारा किया है। तो आपको क्या लगता है खरगोन में गुटबाजी का क्या असर है? देखिए दिनेश जी, ये तो क्या ही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो कि अपने मन में जो जिसे जैसा आ रहा है वैसे बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा में ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा संगठन एक ऐसा संगठन है कि इसमें संगठन जिसे भी टिकट दे, जिसे भी उम्मीदवार चुने, वो हमारे लिए सर्वोपरि है और हम उसे पूरे तन मन से। पिछले बार के चुनाव में, पिछले बार के जिला पंचायत के चुनाव में देखा गया भाजपा के 2 उम्मीदवार थे, दोनों ही भाजपा समर्थित थे। एक को पार्टी ने खड़ा किया था, एक पार्टी से बागी होकर के खड़ा हुआ था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहा था। वो निर्दलीय था और जो भाजपा का उम्मीदवार था वो अलग थे, उसमें 2 भाजपा के उम्मीदवार नहीं कह सकते। अच्छा, तो मतलब आप नहीं मानते कि खरगोन में गुटबाजी का कोई असर? खरगोन में गुटबाजी का कोई भी असर नहीं है और कहीं से कहीं तक कोई गुटबाजी नहीं है। एक बात इन्होंने अपने श्री राम जी ने कही कि कांग्रेस वचन देती है, घोषणाएं और वादा नहीं करती। इनका वादा वचन है कि महंगाई को कम करेंगे, 500 रुपये में गैस की टंकी देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को देंगे और कर्ज माफ़ी करेंगे, ऐसे कई वादे हैं। क्या होगा, इनकी हकीकत क्या रहेगी? भाजपा जो कहती है वो करती है और आप तक आज तक की जो भी योजनाएं आप देख रहे हैं वो भाजपा ने जमीनी स्तर पर उतारी है और लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। एक भाजपा पर एक आरोप ये भी लगता है कि भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। कांग्रेस हमेशा अक्सर ये कहती है कि भाजपा के शासनकाल में शिवराज सरकार बनने के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच चुका है, इस पर क्या कहेंगे? भाजपा की कार्य प्रणाली अलग है, भाजपा की जो कार्यशैली है इसे संगठन चलाता है और संगठन में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि DBT के माध्यम से डायरेक्ट सीधे हितग्राही के खाते में राशि को पहुँचा दिया जाता है। पहले का समय कुछ और था जिसमें ऊपर से राशि आती थी और कार्यालयों में बिचौलियों के माध्यम से उसके कमीशन बाजी हो जाती थी। तो अब जो है वो सीधा आधार से लिंक है, खाते हितग्राही के और हितग्राही मतलब कांग्रेस का आरोप आपको निराधार लगता है कि कांग्रेस निराधार आरोप? बिल्कुल निराधार आरोप। मतलब भाजपा में कोई भ्रष्टाचार नहीं? भाजपा ने तो भ्रष्टाचार को खत्म किया है और सुधारा है सिस्टम को। एक सबसे बड़ी बात यही रही है कि कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है, यूरिया खाद हो या बहुत सी चीज़ें ऐसी किसान खेती किसानी से जुड़ी हुई है, और आप भी एक श्री राम जी किसान व्यक्ति हैं, तो क्या लगता है आपको वास्तविक में महंगाई का असर जमीन पर है? महंगाई का असर जमीन पर है। अभी भाव इतने खाद के बढ़ गए हैं कि तुम पूछो मत, परेशान है किसान। अभी 500 में DAP खाद मिलता है, 1200-1300 मिल रहा है, जहाँ 700 में एक पोटास खाद मिलता है वो 1700 हो गया। उसके साथ साथ आपकी किसानों की इनकम भी तो बढ़ी, समर्थन मूल्य पहले 1200-1100 रुपये था गेहूँ का, अब 2500 रुपये हुआ, तो इनकम भी तो बढ़ती जा रही है। इनकम बढ़ी लेकिन ज़्यादातर महंग खेती का बजट ज़्यादा था, लागत बढ़ती जा रही। विशाल जी, यही मुद्दा सबसे बड़ा रहा है और कांग्रेस बार बार कहती रही, अभी पिछले दिनों उन्होंने आंदोलन भी किया कि महंगाई बढ़ती जा रही है BJP के शासनकाल में। आप कहेंगे DAP वगैरह सबका भाव बढ़ता जा रहा है, किसान परेशान है। देखिए दिनेश जी, जैसे कि आपने बताया कि महंगाई बढ़ी है तो समर्थन मूल्य भी बढ़ा है ना। पहले सोयाबीन क्या भाव बिकता था, उसके बाद में जैसे तेल का भाव बढ़ता है, गेहूँ का भाव पे जो समर्थन मूल्य मिलता था वो बढ़ा कर दिया जा रहा है, 2000 रुपये प्रति क्विंटल के लगभग गेहूँ बिक रहा है। तो ऐसे हर चीज़ में आय भी किसान की बढ़ी है। नहीं, किसान की आय बढ़ी लेकिन भाजपा ने किसानों के लिए क्या किया? भाजपा ने अनेक योजनाएं लाई हैं भाजपा किसानों के लिए। कौन कौन सी योजनाएं? जैसे कि प्रधानमंत्री किसान योजना जो चल रही है, PM किसान योजना, उसके तहत जो हर महीने 2000 रुपये प्रति महीना डल रहा है किसान के हितग्राही के खाते में, और जैसे खाद है, बीज है, इन सब चीज़ों पर भी सब्सिडी मिल रही है। मतलब महंगाई का असर कम लगता है? महंगाई का असर कम लगता है, जैसे कि आय बढ़ी है तो वो बात तो वहीं आ जाती है। गैस टंकी के भाव तो, घरेलू गैस टंकी के भाव तो 1200 के समथिंग पहुंच गए ना? वो भी भाजपा सरकार का वादा है कि उसे भी कम करने की योजना बनाई जा रही है और गैस का भी भाव कम किया जाएगा। क्या नाम लिखा? विशाल मधुकर, मंडल अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा, खरगोन ग्रामीण। आपका नाम? मेरा नाम श्री राम जी पटेल, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण महासचिव कांग्रेस।
तो ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने भाजपा के विशाल मधुकर जी, कांग्रेस के श्रीराम पटेल और आम आदमी की ओर से मुकेश भाई के विचार जानने के प्रयास किए। आगे ही एक ऐसी रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसूंगी, SW24 पुणे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।